बिग बॉस में लड़कियों के लिए कैसे कांटा बनेंगी शेफाली, इंटरव्यू में किया खुलासा। बिग बॉस 13 में अभिनेत्री शेफाली जरीवाली की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है। वह कई हिंदी संगीत और फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हैं। साल 2002 में कांटा लगा के रीमिक्स वर्जन में आने के बाद शेफाली बहुत कम समय में मशहूर हो गयी थी। बिग बॉस के घर में प्रवेश करने से पहले शेफाली ने अमर उजाला से खास बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने बताया कि वह किस तरह से घर में मौजूद दूसरी लड़कियों पर भारी पड़ने वाली हैं। जब आपको पता चला कि आप बिग बॉस का हिस्सा बनने जा रही हैं, तो आपकी कैसी प्रतिक्रिया थी? शो को लेकर मैं पहले बहुत ही उत्साहित थी, लेकिन जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो मैं सच में घबरा गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह असल में हो रहा है। पिछली रात शो में एंट्री से पहले तक तो मैं सही से सो भी नहीं पा रही थी, क्योंकि इस शो के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। लेकिन अब मैं शो का हिस्सा बनने को लेकर फिर से उत्साहित महसूस कर रही हूँ। शो में हर दिन नए नए उतार चढ़ाव आ रहे हैं। इन परिस्थितियों में गेम खेलने के लिए आपने किस तरह की तैयारी की है? जब मैंने शो को देखा तो शुरुआत में सोचा कि मैं कुछ प्लानिंग के साथ घर के अंदर जाऊं, लेकिन शो में हर दिन नए बदलाव हो रहे हैं। प्रत्येक दिन यहाँ कुछ नया हो रहा है, तो आखिर ऐसे में एक दर्शक के तौर पर आप कोई भी रणनीति नहीं बना सकते हैं। देखना दिलचस्प होने वाला है कि घर के अंदर जाने के बाद गेम कैसे बदलता है और नए पुराने में कौन से प्रतियोगी मेरे साथ होने वाले हैं। कुल मिलाकर शो में इतनी उथल पुथल हो रही है कि मुझे अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आया है। हर दिन जिस भी तरह के हालात होंगे उसके अनुसार ही मैं अपना कदम उठाऊंगी। आपके घर के अंदर जाने से वहाँ पहले से मौजूद लड़कियों पर किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है? मैं एक नई सोच के साथ घर के अंदर जा रही हूँ। मेरा जो व्यक्तित्व है वह वहाँ मौजूद लड़कियों से काफी अलग है। मैं भले ही पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली अच्छे कदम ना उठा सकूं, लेकिन मैं खुलकर बोलने वाली लड़की हूं, तो हो सकता है कि मेरे जाने से और मेरे बर्ताव से वहां मौजूद बाकी लड़कियों में खलबली मच जाए और उन्हें खुलकर सामने आना पड़े। अभी तक उन्होंने अपना असली रूप छुपाया हुआ है। घर के अंदर जाकर आप किन कंटेस्टेंट्स के साथ मिलकर गेम खेलना चाहेंगी? इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि यह बहुत हद तक उन पर भी निर्भर करता है कि वे मुझे किस तरह लेते हैं। अगर मैं पहले से ही यह सोच कर जाऊं कि घर के अंदर जाने के बाद मैं किससे हाथ मिलाऊंगा और अगर वे इसके लिए इच्छुक नहीं देखें, तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए मैं अभी कुछ सोच कर नहीं जा रही हूं। मैंने सिर्फ यही सोचा हुआ है कि मेरे साथ जो भी अच्छा बर्ताव करेगा मैं भी उसके साथ अच्छे से रहूंगी। सब घर के अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा कि कौन दोस्त बनता है और कौन दुश्मन। आपने टीवी पर सभी कंटेस्टेंट्स को गेम खेलते हुए देखा है, आपके अनुसार वे किस तरह का गेम खेल रहे हैं? शो में बहुत से ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो अच्छा गेम खेल रहे हैं, जिनमें से कुछ का गेम सीधा है तो कुछ का टेढ़ा। शो में आगे वे सभी कंटेस्टेंट्स निकल जाएंगे जिनके पास कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है और सिर्फ वही बचेंगे जिनके पास रणनीति है। सभी की रणनीति एक दूसरे से काफी हद तक अलग है।